670 लीटर वाटर होता है और 330 किलो यूरिया होता है। हाँ जी, इसको मिक्स होने के बाद ये यूनिट पूरा उसे फिल्टर करती है और सर इसके बाद हमारा पूरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। सर ये फाइनल प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी होती है, कोई भी आए हमारा प्लांट विजिट कर सकता है और कभी भी आके चेक कर सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट की हमारी क्या क्वालिटी है। हमारे पास आप किसी भी तरह के केमिकल के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है केमिकल की रेंजेस में एंड स्पेशली हमारा प्रोडक्ट टेक्निकल ग्रेड यूरिया है। सर ये 30 से 35 हजार लीटर हर वक्त हमारे पास मटेरियल रेडी होता है, ये सर हमेशा स्टॉक में रेडी रहता है। सो गाइस, जैसे कि हमारा ब्रांड है रेडी गो, सो आर यू रेडी टू गो? वी आर हियर टू सप्लाई दिस। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आपको लेकर चुका हूं मनीषा ट्रेडिंग कंपनी पे और दोस्तों यहां से आपको हम दिखाने वाले हैं लिक्विड यूरिया डेफ, सीधे आपको फैक्ट्री प्राइस में मिलने वाली है। और दोस्तों आज की वीडियो में आपको देखने मिलेंगे इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी प्रोसेसिंग किस तरह होती है, आज आपको देखने मिलेंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पे फैक्ट्री के ऑनर है, तो कैसे हैं सर? अच्छा हूं सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। तो सर बताइए कि जो ये आपकी कंपनी है किस में डील करती है और क्या बनाती है? लिक्विड यूरिया बनाती है जिसको डेफ कहते हैं। BS6 इंजन में जितनों में भी डेफ डलता है ठीक है, उसका हम बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाते हैं क्योंकि हमारा खुद का इंपोर्ट है यूरिया। अच्छा, यूरिया के हम खुद से ईरान से इंपोर्टर हैं ठीक है, और रेडिगो के नाम से हमारा प्रोडक्ट आता है लिक्विड यूरिया। तो ये अपने ब्रांडिंग अपने वाले है? यस यस, ब्रांडिंग हमारी रेडिगो के नाम से आता है ठीक है, और मनीषा ट्रेडिंग कंपनी हमारी कंपनी का नाम है, हमारी टोनिका सिटी में फैक्ट्री है। ओके ओके, और आप देखेंगे कि हमारी यूरिया की बहुत अच्छी क्वालिटी भी है और बेस्ट प्रोडक्ट है, और हम अपने कस्टमर को अपने लेटर हेड पे लिख के भी देते हैं कि उनकी गाड़ी में कभी भी कोई इश्यू आएगा तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। बहुत बढ़िया। तो सर वैसे देख रहे हैं यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है, बाकी पीछे देखा कंटेनर लगे हुए हैं, तो यहाँ पे सारा काम यही होता है? यस सर, पूरा काम यही होता है, सीधा पोर्ट से सी पोर्ट पे हमारा मटेरियल आता है टेक्निकल ग्रेड यूरिया ठीक है, उसके बाद वो यहाँ पे आने के बाद हम उसको प्रोडक्शन में लाते हैं और उससे यूरिया से हम लिक्विड यूरिया बनाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सबको देखने वाले हैं किस तरह इसकी प्रोसेसिंग होती है। यस सर, देखने वाले आज। यस यस सर। तो सर बताइए जिसको भी एक तरह से ऑनलाइन ऑर्डर करना है, बिजनेस करना है, तो उनके लिए क्या पहुंचाएंगे आप? सर अभी हमने पैन इंडिया पे काम स्टार्ट किया है, धीरे धीरे हम डिस्ट्रीब्यूटर बनाने लग रहे हैं। हमारा एक यूनिट चेन्नई में भी लगी हुई है, वो चेन्नई में लगी हुई है और एक यूनिट हमारी यहाँ पे है, दोनों यूनिटों में हमारा काम चलता है ठीक है, और आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम नए नए डिस्ट्रीब्यूटर भी बनाने लग रहे हैं, गाजियाबाद में हमने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया है, धीरे धीरे हम आगे चल के बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर बनाने। अगर किसी को रेडिगो का डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए तो आप अलग से इंक्वायरी कर सकते हैं, प्लस होलसेल में जिसको मंगवाना है आप वो भी मंगा सकते हैं। सर ऑर्डर क्या रखा पड़ेगा जिसको ऑर्डर करना है? सर जिसको ऑर्डर करना है जो हमारी फैक्ट्री से आगे ले जा सकता है उसको हम 2-3 बाल्टी भी दे देंगे पर लेकिन जिसको ट्रांसपोर्ट से मंगाना है तो उसको ट्रांसपोर्ट कम से कम 10,000 का मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। यस सर, बात के लिए वैसे आपकी पैकिंग किस तरह आती है, मतलब बताइए? पैकिंग सर हमारी 3 साइजेस में आती है, एक 20 लीटर बकेट, 10 लीटर बकेट और 210 लीटर का बैरल और 1000 लीटर का टैंक होता है, आईबीसी टैंक ठीक है। सर हमारा फर्स्ट स्टेप ये होता है, ये है रॉ मटेरियल टेक्निकल ग्रेड यूरिया। यहाँ ये मटेरियल 330 किलो 1000 लीटर वाटर में मिलता है, 670 लीटर वाटर होता है, 330 किलो यूरिया होता है। सर हमारा फर्स्ट स्टेप इधर से स्टार्ट होता है। सर पहला स्टेप ये होता है, यहाँ पे समर सेविल का वाटर पानी आता है, सिंपल वाटर होता है जो समर सेविल से आता है। उसके बाद हम उसको पहले मिनरल वाटर बनाते हैं इस मशीन के द्वारा, पहले वो मिनरल वाटर यहाँ पे आता है समर सेविल में, इसके बाद जाता है दूसरा स्टेप में। यस सर, ये पूरा आरओ का प्लांट होता है, इससे इससे पानी वो होता है फिल्टर। इसके बाद सर यहाँ पे सर ये इसको 15 से 20 TDS तक आ जाता है, ये मिनरल हो जाता है वाटर, यहाँ तक मिनरल वाटर हो जाता है। ये सर सेकंड स्टेप है, मिनरल वाटर के बाद ये पूरा डीएम लगा हुआ है। देखिए दोस्तों आप पहले एक चीज देख पा रहे हैं, यहाँ प्रॉपर यहाँ देखिए एक से लाइनअप यहाँ पे रखा हुआ है, पाइप यहाँ पे आ रहे हैं, तो ये है सेकंड स्टेप। आप यहाँ पे इसमें आते हैं, इसमें क्या होता है सर? इसमें मिनरल वाटर होके आ जाता है, 15 से 20 TDS तक होता है वाटर ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप आता है इसका, ये डीएम वाटर प्लांट, डीएम वाटर प्लांट पूरा ये डीएम होगा वाटर, उसके बाद वहाँ पे 0 TDS पानी हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, 0 TDS हो जाएगा। यहाँ पे 15-20 है ना? हाँ 15-20 तक होता है जी। ये डीएम वाटर प्लांट पूरा 0 TDS हो जाता है ठीक है। 0 TDS के बाद ये है हमारा मिक्सिंग यूनिट, मिक्सिंग यूनिट। यस सर, इसमें 670 लीटर पानी होता है, 330 किलो यूरिया होता है। ओके ओके, आप सर इसमें पूरा दिखा दीजिए जिस तरीके से सर ये मिक्स होता है। ओके, ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, तो सर मैं दोबारा बताइए कितना मिक्स है इसमें? सर इसमें 670 लीटर वाटर होता है और 330 किलो यूरिया होता है। हाँ जी, यूरिया की जो मात्रा होती है 33% डालनी होती है, 32.5 हो जाती है। ओके ओके ठीक है, जब पूरा और सर इसको मिक्स होने के बाद ये यूनिट पूरा उसे फिल्टर करती है। ओके, ये सर फिल्टर होती है पूरा यूनिट के द्वारा इसके ठीक है। बहुत बढ़िया,
और सर इसके बाद हमारा पूरा फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आता है। सर हम फाइनल प्रोडक्ट की आपको अपनी क्वालिटी दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है फाइनल प्रोडक्ट जो आपको प्रोसेसिंग के साथ दिखाया। सर ये फाइनल प्रोडक्ट की हमारी क्वालिटी होती है, ये देखिए। कोई भी आए हमारा प्लांट विजिट कर सकता है और कभी भी आके चेक कर सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट की हमारी क्या क्वालिटी है। तो ये प्रोडक्ट प्रॉपर ट्रांसपेरेंट मिलने वाला है। तो सर वैसे बात के लिए आपकी पैकिंग दिखाई किस तरह आती है? सर ये 30 से 35 हजार लीटर हर वक्त हमारे पास मटेरियल रेडी होता है। ये सर हमेशा स्टॉक में रेडी रहता है। जैसे कि सर आपने देखा हमारा फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप कभी भी आके हमारे प्लांट का विजिट कर सकते हैं, प्रोडक्ट की क्वालिटी देख सकते हैं। हमेशा ट्रांसपेरेंट क्वालिटी होती है और बहुत अच्छा मटेरियल होता है। और हमारे पास एनी टाइम 30 से 35 हजार लीटर मटेरियल हर बार स्टॉक में रहता है। यस, डेली प्रोडक्शन हमारी 12 से 15 हजार लीटर की है, डेली की जो प्रोडक्शन है। और सर ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट जो आता है, हम रेडिगो के नाम से भी ये 20 लीटर बकेट्स हैं, 10 लीटर बकेट्स में भी सेल करते हैं। और ये आप नाम ऐसा लीजिए रेडिगो, इनकी अपने ब्रांड है और 20 लीटर का ये बकेट है। तो आप फैक्ट्री आइए, आप दो दो बकेट की भी परचेज कर सकते हैं। तो अभी देखिए सर ने आपको गाइड किया है, साथ में यहाँ पे कंपनी के हेड है। तो मैम कैसे हैं आप? तो मैम आप भी बताइए कि यहाँ पे किस तरह से प्रोसेसिंग होती है, दोबारा बताइए हमें। बाकी तो सारा कुछ प्रोसीजर सर ने आपको समझा ही दिया है। प्रोसेसिंग ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्शन का है वो सारा कुछ आपको बता दिया गया है। उसके अलावा हम जो ये पैकेजिंग देते हैं वो 10 लीटर के बकेट में आता है, 20 लीटर के बकेट में आता है। उसके साथ साथ अगर कुछ लूज में जाते हैं तो हम बैरल्स में भी देते हैं और IBC टैंक के अंदर भी देते हैं। मैम जो आपकी पैकिंग आती है कंपनी की, हमें दिखाई किस तरह आती है? हमारे पास बकेट भी होती है जो कि 10 kg की बकेट होती है और 20 kg की बकेट होती है। ये है देखिए 10 kg के बकेट है और इसके बाद आप यहाँ पे पा रहे ये है 20 लीटर का। तो ये आपको इस तरह बकेट आने वाली है, ये अपने ब्रांड है, इनका ब्रांड है ये रेडिगो। तो मैम इसके बाद, उसके बाद ये 210 लीटर का बैरल आता है। अगर कुछ कस्टमर लूज में चाहते हैं बकेट के अलावा, उसके बाद हमारा टैंक है IBC टैंक जो कि 1000 लीटर की कैपेसिटी के अंदर है। ये 1000 लीटर का कैपेसिटी के अंदर आपको ये टैंक आने वाला है। आप इसके सारा स्टोर है इसमें, ये अगर चाहिए किसी को अलग से तो आप ये ऑनलाइन ऑर्डर पर भी मंगा सकते हैं। यहाँ पे हम वाटर स्टोर करते हैं अपना जो समरसेबल वाटर होता है, उसके बाद ये मशीन के थ्रू जैसा कि आप देख चुके हैं उसके थ्रू ये वाटर फिल्टर होता है। फिल्टर होने के बाद यहाँ पे TDS आ चुका होता है इस टैंक तक, इस टैंक तक TDS आ चुका होता है जो कि 10 से 15 के TDS तक आ चुका होता है। उसके बाद हम इसको दोबारा फिल्टर करते हैं जो कि इस टैंक के अंदर वो 0 के TDS पे आ चुका होता है। देन हम यहाँ पे अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करते हैं जिसमें यूरिया और DM वाटर यूज करते हैं, जिसमें कि 670 लीटर वाटर और 330 kg यूरिया का एक रेशियो होता है, या एक रेशियो होता है। उसके बाद ये यहाँ पे अगेन फिल्टर होके यहाँ पर स्टोर हो जाता है। तो ये है फाइनल स्टोर लिक्विड यूरिया, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह आप देख पा रहे हैं इनके पास 35,000 लीटर का स्टॉक है आज के डेट में। जिसको भी चाहिए आप होलसेल में बल्क में ऑर्डर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। जी जी। और मटेरियल सर इंपोर्टेड है हमारा, जो हम यूज करते हैं, हम इंपोर्टेड ही यूरिया यूज करते हैं। तो मैम अलग किसी को रॉ मटेरियल चाहिए तो वो मिलने वाला है? बिल्कुल, हमारे पास आप किसी भी तरह के केमिकल के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है केमिकल की रेंजेस में, एंड स्पेशली हमारा प्रोडक्ट टेक्निकल ग्रेड यूरिया है एंड लिक्विड ग्लूकोज आल्सो। बिल्कुल दोस्तों, आप चाहे तो लिक्विड यूरिया या अलग से रॉ मटेरियल भी परचेज कर सकते हैं, इनके पास टोटल वैरायटी अवेलेबल है। तो मैम इसमें बता कितना ऑर्डर देना पड़ेगा? इसमें आप मैक्सिमम 10 से 20 टन का ऑर्डर दे सकते हैं, मैक्सिमम नहीं सॉरी मिनिमम, मैक्सिमम आपका अकॉर्डिंग अप टू द कस्टमर। चलिए बाकी मैम बताइए जिसको भी यहाँ पे विजिट करना है आपका लोकेशन क्या, एड्रेस क्या रहेगा? हमारा लोकेशन E55 ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद। ओके तो दोस्तों एक तरह से नंबर स्क्रीन पर कॉल करके आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैम इंडिया आउट इंडिया हर जगह आप मतलब भेजते हो पार्सल? नो, अभी हमारा इन इंडिया है, ऑल ओवर इंडिया, या ऑल ओवर इंडिया। बिल्कुल, वी आर जस्ट प्लानिंग, या हम जस्ट प्लानिंग कर रहे हैं आउट ऑफ इंडिया आल्सो। बस यही है, आप हमें होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटरशिप भी हम देते हैं अलग अलग सिटीज में। बाकी हमारे सोशल हैंड्स भी हैं जो आपको सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। उसके अलावा हमारा सेल्स देखते हैं मैं संशिका गौर। आप स्क्रीन पे जो भी वेबसाइट और नंबर्स हैं उन पे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करके हमें ऑर्डर प्लेस कर सकते। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो सीधे मनीषा ट्रेडिंग कंपनी से पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ पे होलसेल भी है और डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो अलग से आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी ऑनलाइन ऑर्डर पे आप 10,000 तक का ऑर्डर कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में आप लोगों के साथ। टिल देन बाय।